दोस्तों, फ्रेंच फ्राइज का नाम सुनकर तो हम सभी के मुंह में पानी आ जाता है, पर क्या आपको पता है कि मैकडॉनल्ड्स या और रेस्टोरेंट्स में मिलने वाली फ्रेंच फ्राइज इतनी परफेक्ट कैसे होती है और इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आयुष, और आप देख रहे हैं ज्ञान हब इंडिया। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं फ्रेंच फ्राइज बनाने वाली फैक्ट्री में और जानते हैं कि किस प्रकार परफेक्ट और टेस्टी फ्रेंच फ्राइज बनाई जाती हैं। आप में से भी ज़्यादातर लोग शायद जब भी किसी होटल में खाना खाने जाते होंगे तो सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज ही ऑर्डर करते होंगे। खैर, क्या आपने कभी सोचा है कि जो फ्रेंच फ्राइज आप टेस्ट कर रहे हैं उसे सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? दरअसल फ्रेंच फ्राइज की शुरुआत फ्रांस और बेल्जियम में हुई थी, इसीलिए इसका नाम फ्रेंच फ्राइज रखा गया। वहाँ पर लोग आलू को फ्राई करके उस पर मसाले डालकर खाना पसंद करते थे और यहीं से हम सबकी फेवरेट फ्रेंच फ्राइज की शुरुआत हुई। भारत में भी ये सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले फास्ट फूड डिशेज में गिना जाता है। फ्रेंच फ्राइज बनाने की शुरुआत सबसे पहले खेतों में ताज़ा और फ्रेश आलू सेलेक्ट करने से होती है। इन आलुओं को हार्वेस्ट करने के बाद इन्हें बड़े बड़े ट्रकों की मदद से फैक्ट्रियों में लाया जाता है। दोस्तों, ज्यादातर फ्रेंच फ्राइज मीडियम या फिर बड़े साइज के आलुओं से ही बनाई जाती है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें एक बड़े से टैंक में रखा जाता है, जहां पर इनको अच्छे से पानी की मदद से धोया जाता है। इस प्रोसेस में आलू में लगी हुई सारी गंदगी, मिट्टी और घास फूस अलग हो जाती है। बहुत बार आलू पर जमी हुई गंदगी साफ नहीं हो पाती है, तो उसके लिए पानी के अंदर प्रेशर बनाकर उसे साफ किया जाता है। दोस्तों, ये प्रोसेस पूरा ही ऑटोमेटेड होता है, यानी कि कंप्यूटर और रोबोट की मदद से संचालित किया जाता है। इसके बाद आप अगले सेक्शन में देख सकते हैं कि इन आलुओं को एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ा दिया जाता है, जिसके ऊपर पानी का तेज स्प्रे किया जाता है। इससे उन आलुओं के ऊपर बची हुई सारी गंदगी एकदम साफ हो जाती है और ये आलू आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है इन आलुओं को छीलने की, यानी कि इनका छिलका निकालने की। इसके लिए इन्हें आगे इस ऑटोमेटिक पीलर मशीन में डाला जाता है, जहां पर एक रोबोट और घूमते हुए ब्लेड की मदद से इन आलुओं के ऊपर से एक एक करके छिलका निकाल दिया जाता है। आगे बढ़ते हुए कन्वेयर बेल्ट पर इन छिले हुए आलुओं को चेक किया जाता है। अगर इनमें से कोई भी आलू खराब, छोटा या कटा पिटा होता है तो उसे अलग कर दिया जाता है। दोस्तों, ये काम इंसानी आंखों द्वारा होता है, इसलिए इसमें किसी भी तरीके की गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इसके बाद आता है इस फैक्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यानी कि आलू को काट कर फ्रेंच फ्राइज जैसी लंबी शेप देना। दोस्तों, ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है और इसके लिए इन आलुओं को इस टनल रूपी मशीन से गुजारा जाता है, जिसके अंत में पतले पतले रेजर शार्प ब्लेड लगे हुए होते हैं। इन आलुओं को पानी की तेज धारा की मदद से बहुत ही तीव्र गति से इन ब्लेड्स के बीच से गुजारा जाता है, जिससे कि ये आलू लंबे लंबे फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट जाते हैं। इन कटे हुए फ्रेंच फ्राइज को बाहर निकलकर एक स्प्रेयर की मदद से फिर से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया जाता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब भी फ्रेंच फ्राइज खाते हैं तो आपको ज़्यादातर पीसेस एक समान बराबर रूप के मिलते हैं, पर इस मशीन से कटने के बाद कुछ पीसेस छोटे भी रह जाते हैं, तो अगले सेक्शन में इस फैक्ट्री के अंदर उन पीसेस को अलग किया जाता है। इन फ्रेंच फ्राइज के छोटे छोटे खराब टुकड़ों को अलग करने के लिए इसे एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है। इस बेल्ट के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हीं छोटे छोटे छेदों की मदद से जो टूटे हुए या छोटे और ख़राब फ्राइज होते हैं उनके टुकड़े नीचे अलग हो जाते हैं और बच जाते हैं लंबे लंबे और मोटे अच्छे फ्रेंच फ्राइज के पीसेस। इस
इसके बाद भी अगर कोई खराब या गला कटा आलू का पीस रह जाता है तो उसे ये फैक्ट्री के वर्कर अपने हाथों की मदद से अलग कर देते हैं, जिससे कि सभी एक बराबर साइज के फ्राइज के पीस आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगले स्टेप में बारी आती है इन फ्रेंच फ्राइज के पीसेस को ऑयल में डबल फ्राई करने की। इस प्रोसेस को करने के बाद ये क्रिस्प और कुरकुरे बन जाते हैं। अब बारी आती है इनके ऊपर मसाले और नमक छिड़कने की। एक स्प्रिंकलर और रोलर की मदद से इनके ऊपर बराबर मात्रा में इन मसालों को छिड़क दिया जाता है। रोलर की मदद से ये मसाले अच्छी तरह से हर फ्राई के पीस पे मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद आखिरी स्टेप में इन गरम-गरम कुरकुरे फ्राइज को कन्वेयर बेल्ट से आगे बढ़ाते हुए अलग अलग बैच में स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ पर इन्हें ठंडा हो जाने के बाद इन्हें पैक करने की बारी आती है। एक रोबोट और कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें बराबर मात्रा में पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, तैयार हो गए हैं हम सबके फेवरेट टेस्टी कुरकुरे फ्रेंच फ्राइज। कैसी लगी आपको फैक्ट्री में फ्रेंच फ्राइज बनते हुए देखकर, और क्या आप फ्रेंच फ्राइज खाना पसंद करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फैक्ट्री में टेस्टी चॉकलेट या फिर कुरकुरे कैसे बनता है, तो इस समय स्क्रीन पे आ रही वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर ज्ञान हब इंडिया फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। जय हिंद।